हाय फ्रेंड्स, आज मैं आपको बुक डेकोरेशन और पेंसिल और इरेजर डेकोरेशन सिखाऊंगी। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो इसके लिए मैं पहले आपको मटेरियल्स बता देती हूँ। तो उसके लिए मैं चाहिए एक वाइट डार्क पिंक और येलो कलर का पेपर और ग्रीन कलर का एक ग्लू, एक स्केच पेन, सीजर, इरेजर, पेंसिल, एक पॉम्पॉम और एक पॉकेट डायरी। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो चलिए पहले हम लोग बुक डेकोरेशन कर लेते हैं। तो उसके लिए हमें चाहिए डार्क पिंक, येलो और ग्रीन पेपर। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। पहले हम लोग ग्रीन पेपर का एक छोटा सा स्ट्रिप कट कर लेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, मैं इतना मोटा काटूंगी और इसे मैं बुक के साइज में काटूंगी। तो इसे हम बुक के साइज से मार्क करके अब कटिंग करेंगे। देखिए फ्रेंड्स, मैंने ये स्ट्रिप कट कर लिया है। अब मैं ये सेम साइज के येलो भी स्ट्रिप को ड्रॉ करके कट कर लूंगी। ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पे येलो और ग्रीन स्ट्रिप कट कर लिया है। अब मैं बचे पोर्शन को डार्क पिंक से कट कर लूंगी। हम इसे पहले मार्क कर लेंगे और बचे हुए पार्ट को रेड कलर से कट कर लेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पे तीनों स्ट्रिप्स कट कर लिया। अब मैं इसे पेस्ट करूंगी। पहले मैं यहाँ पे ग्रीन कलर का पेस्ट करूंगी। हम लोग इसे सिर्फ ऊपर के साइड में ग्लू लगाएंगे और इसे स्टिक कर देंगे। येलो में भी सेम करना है। देखिए फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पे सारी पेस्ट कर लिए हैं। तो अब मैं यहाँ पे ब्लैक स्केच पेन लूंगी और वाटरमेलन में जैसे डॉट्स रहते हैं वो बना लूंगी। और इसकी आईज बना लूंगी और माउथ। ये देखिए फ्रेंड्स, हमारी की बुक रेडी हो गई है। ये आप 5 मिनट्स में बना सकती हैं। अब हम लोग पेंसिल डेकोरेट करेंगे। तो उसके लिए मुझे चाहिए पेंसिल, पॉम और पॉम पॉम। तो मैं पेंसिल पे ऐसे पॉम पॉम को स्टिक कर लूंगी। ये देखिए फ्रेंड्स, हमने इसे स्टिक कर लिया। मैं इसमें व्हाइट कलर से इसकी आईज बना के स्टिक करूंगी। ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पे दो आईज कट कर लिया। मैं इसे स्टिक कर लूंगी।
ब्लैक स्केच पेन से इसकी आइस पे एक डॉट दे देंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, ये अब हम इसकी माउथ बना लेंगे रेड कलर से। हम इसका माउथ चांद की शेप में कट कर लेंगे। इसे स्टिक कर लेंगे। देखिए फ्रेंड्स, हमारी पेंसिल भी रेडी है। अब मैं इरेजर डेकोरेट करूंगी। अब हम इरेजर में भी वाटरमेलन का ही शेप देंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पे तीनों स्ट्रिप्स कट कर लिया। अब मैं इसे भी पेस्ट कर लूंगी। इस बार मैं इरेजर के कवर पे ग्लू लगाऊंगी और फिर उसके बाद स्टिक करूंगी। अब मैं इस बचे हुए पोर्शन को यहाँ से कट कर लूंगी। देखिए मैंने इसे स्टिक कर लिया है। अब मैं इस पे भी आईज, माउथ और उसके बीच बना लूंगी। देखिए फ्रेंड्स, हमारी इरेजर, बुक और पेंसिल रेडी है। फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर कर दीजिएगा इस वीडियो को। ओके, बाय फ्रेंड्स।